मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। आप मोबाइल फोन के पीछे देख लीजिए मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देख लीजिए मेड इन बांग्लादेश, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया, आपको कहीं नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग होती है, अदानी और अंबानी जी का फायदा होता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया। और प्रधानमंत्री जी को यह भी समझाना चाहिए कि आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हो। जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट अदानी और अंबानी जी को मिलते हैं। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, पार्लियामेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है, मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लियामेंट हाउस में अपने भाषण में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर अंबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूं। तो मैंने उनका नया नाम बनाया है A1 और A2। पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगी। काले कानून आए, किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून, 700 किसान शहीद हुए। हमने पार्लियामेंट में कहा कि 2 मिनट इनके लिए मौन रखा जाए, हमें कहा जाता है नहीं, ये शहीद नहीं है। दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया। जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोटबंदी से, गलत जीएसटी से आपने खत्म कर दिया। अरबपतियों का रास्ता खोलने के लिए उनसे भी आप माफी मांगिए, नोटबंदी की माफी मांगिए, गलत जीएसटी की माफी मांगिए। और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी, जो छोटी कंपनी थी, मिडिल साइज कंपनी थी, वो सब बंद हो गई, खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले दे सकते हैं, रोजगार मीडियम साइज बिजनेस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, ये लोग दे सकते हैं। आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है, चाइना का माल आता है, वही 10-12 अरबपति उस माल को बेचते हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देख लीजिए मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देख लीजिए मेड इन बांग्लादेश, जूते के नीचे देखिए मेड इन वियतनाम, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन इंडिया, आपको कहीं नहीं दिख सकता। और ये सारा का सारा माल ये अरबपति बेचते हैं। नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है, हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं उनका होता है। फायदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग होती है, अदानी और अंबानी जी का फायदा होता है। और 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, 1 अरबपतियों का, उसमें 20-25 लोग हैं, और दूसरा मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। भाइयों और बहनों,
16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का आज तक कर्जा माफ नहीं किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किया था जब हमारी सरकार थी। आप सोचो 70,000 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के सारे किसानों का कर्जा माफ किया था। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22-25 लोगों को दिया है। यह हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान हो। अगर बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं तो बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए खुले होने चाहिए। अगर उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है तो फिर गरीबों का भी 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। और अगर गरीबों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं हो रहा है तो फिर उनका नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं।